पेयर रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत धनबाद सेल के चासनाला और जीतपुर कोलियरी में मजदूरों द्वारा बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल किया गया है। मजदूरों का हड़ताल सफल दिखा, एक भी मजदूर कार्य पर नहीं पहुंचे। बत्ती घर और हाजरी घर में ताले लटके रहे थे। इस दौरान वासरी में मजदूर यूनियन के नेता और सेल कर्मी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। वहीं इस हड़ताल को लेकर मजदूर यूनियन के नेताओं ने कहा कि 1/1/2017 से पे रिवीजन सहित अन्य मांगों को लेकर सेल प्रबंधन के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, सिर्फ टाल मटोल ही होता रहा, जिसके कारण बाध्य होकर बुधवार से सभी मजदूरों को हड़ताल पर जाना पड़ा। यूनियन नेताओं ने इस हड़ताल के लिए सेल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज की यह हड़ताल सेल चेयरमैन को चेतावनी है, अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। आज के इस हड़ताल से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका है। जैसे हम लोग पूरे सेल में अभी तक वेतन समझौता 1/1/2017 से बाकी है, प्रबंधन टाल मटोल करते आ रही है, अभी तक कोई वेतन समझौता का क्लियर नहीं हुआ, जिससे मजदूर काफ़ी आक्रोश में आ गए। और आज केवल यही पर नहीं, पूरे सेल में हर एक विभाग में, चाहे स्टील हो, चाहे कोल हो, चाहे रॉ मटेरियल विभाग में, आज 100% चारों तरफ हड़ताल मजदूर स्वतः कर दिए हैं, कोई मजदूर नहीं ड्यूटी में आए हैं। ये कब तक चलेगी हड़ताल? ये आज एक दिवसीय है, अगर प्रबंधन इससे नहीं चेती तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे कि फैसला लेने के लिए कि जरूरत पड़ा तो हम लोग निश्चितकाल हड़ताल में ही चले जाएंगे। क्या नाम हुआ? सुंदरलाल महतो। सुंदरलाल जी, आज ये प्रदर्शन क्यों की जा रही है और किस जगह पर हैं आप लोग? हम लोग वासरी में हैं, हाँ, इचासला वासरी के। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? हम लोग कर रहे हैं पे रिवीजन के लिए, हमारा पे रिवीजन नहीं हुआ अभी तक, हाँ, 1/1/2017 से हमारा बकाया है, इसमें मीटिंग हो रहा है, टालमटोल हो रहा है, फैसला नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग मजबूर होकर हड़ताल में आना पड़ा। आए हैं ठीका मजदूर का भी पे रिवीजन का है, उनका भी नहीं कर रहा, इसीलिए हम लोग आज हड़ताल में है। 100% जो है कोई मजदूर आया नहीं, एक दिवसीय हड़ताल। ये हम लोग चेतावनी दे रहे हैं चेयरमैन को, जो सेल चेयरमैन को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं, अगर नहीं मानेगा तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल में जाएंगे।